जी भैया नमस्कार प्रणाम। मैं अलवेला जी और आप देख रहे हैं अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ मिक्सिंग सिखाया जाता है। आज आप लोग का बहुत अच्छा और बेस्ट मिक्सिंग का जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना स्पीड का बीपीएम रहता है, ट्रैक रहता है, वो स्पीड के आपका इफेक्ट भी लगाया जाता है वोकल में। क्योंकि जानते हैं कि एक इफेक्ट कभी नहीं लगता, अगर एक इफेक्ट सारे वोकल में लगाइएगा तो आपको कभी गाना सुपर डुपर नहीं बनेगा, जहाँ तक आपका कंप्लेन और शिकायत आएगा। आज आप लोग ऐसा चीज़ बताना जा रहा हूँ कि बेस्ट और सुपर और डुपर चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 102 का स्पीड का है। तो आज आप लोग का हम लोग सुन सुन कर लगाएंगे और कुछ नई चीज़ लगाने का तरीका आज सीख लेते हैं। तो चलिए हम आप लोग का पहले मैं सुना देता हूँ। देखिए कोई इसमें ई पैनल मैं खोल रखा हूँ, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है और आप देख रहे हैं कि ये मेरा स्टूडियो में इसमें ट्रैक है, इसमें भी ऑडियो रख रखा हूँ। सबसे पहले हमको लगा लेना है ऑटो टून, पहले एक बार सुन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, तो सबसे पहले आपको ऑटो टून लगाना होगा। तो आप लोग चलिए कलम कॉपी निकाल लीजिए और लिख लीजिए, आज 102 का स्पीड का ट्रैक है तो इसमें कौन सी स्केल लगना चाहिए। ऐसा तो शायद आप लोग के बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो लिख लीजिए। इसमें लगेगा एफ माइजर या माइनर लेकर चलना होगा आपको, तो एफ माइनर शायद लगेगा, लगना तो चाहिए एफ माइनर में। एक बार पहले मैं सुन लेता हूँ, सुनकर बजा कर देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये ऑलरेडी मेरा ऑटो टून चिपक चुका है। अब चलिए मैं दूसरा इफेक्ट लगाने जा रहा हूँ। दूसरा आज आप लोग का जो मैं लगा रहा हूँ वही लगाइएगा, 102 से लेकर 105 के स्पीड तक, ठीक है। तो डायनेमिक में आप लोग का जाना होगा, डायनेमिक में जैसी आप जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डायनेमिक को गला के बाद आज देखिए यहाँ पे आप लोग को आना होगा, ठीक है। आने के बाद इसको खोल लेना होगा। ये अब बोलिएगा कि सर जी एक क्या है, तो कंप्रेसर के जैसा काम करता है, वोकल और ट्रैक का ये भी दोनों का बहान कर मारता है, और वजन और बैकग्राउंड का बहान के बैकग्राउंड चलते रहता है इसका, ठीक है। तो इसमें लोडिंग किक में जाना होगा, इसे क्लिक कर छेड़ देना, इसका कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा। अब इसका कमाल सुनिए। गाना करा के लाया, हिलाया नहीं खटिया, लगाता है राई गोइल, एकरो तमतिया। तो ऑलरेडी मेरा बहान चुका है, ठीक है। चलिए अब दूसरा मैं इफेक्ट लगाएंगे, फिर आपको वही प्रोसेस में जाना होगा और डायनेमिक में ही जाइएगा। डायनेमिक के जाने के बाद आपको यहाँ आना होगा, इसके आने के बाद इसको क्या करना होगा कि अब इस तरीके का कुछ फाइल खुलेगा। तो कहिएगा कि सर जी एक क्या है, तो एक क्या है कि जहाँ तहाँ वोकल तेज और कम रहेगा तो रोक के रखेगा और एकदम एक लेवल में दोनों ट्रैक और वोकल को रखेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसको पकड़ के इधर थोड़ा सा कर दीजिएगा, यहाँ तक कर देना होगा, यहाँ नॉर्मल ज्यादा नहीं करिएगा, ठीक है। गाना करा के, और इसको थोड़ा सा यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ गाना करा के लाया, हिलाया नहीं खटिया, लगाता है राई गोइल। चलिए तीसरा हम लोग इफेक्ट ले लेते हैं। तीसरा फिर प्रोसेस जाना है, फिर डायनेमिक में ही जाना है। डायनेमिक गला के बाद आज चल जाना है सीधे इसमें, यहाँ चलिए मैं कौन सा ले रहा हूँ, चलिए इसको तीसरा प्रोसेस ले लीजिए, यहाँ जाइए, ठीक है। इसको ले लेना है, इसको लेने के बाद कुछ इस तरीका का लेवल खुलेगा। तो आपको क्या करना होगा कि नॉर्मल इसको आपको यहाँ तक कर देना होगा, ठीक है, अपना देख लीजिएगा। गाना करा के लाया, हिलाया नहीं खटिया, लगाता है राई गोइल, और इसको 6 पे कर दीजिएगा, ठीक है। गाना करा के लाया, हिलाया नहीं खटिया, लगाता है राई गोइल, और इसको 4.8 पे कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा 4.8 पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए, ठीक है। गाना करा के लाया, ये ऑलरेडी वोकल को टाइट करता है, ठीक है। कंप्रेसर सारा चीज के अंदर में रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। गाना का आपको यहाँ इक्यू में जाना हो, इक्यू में गला के बाद आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का फाइल खुलेगा, इसको छेड़छाड़ आप लोग को नहीं करना, ठीक है। गाना करा के लाया, हिलाया नहीं खटिया। अब आप लोग समझ चुके होंगे क्या है ये वोकल, ऑलरेडी एकदम साफ कर चुका है, एकदम वॉइस एकदम मजेदार बना चुका है वोकल को, ठीक है। उसके बाद चले दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा हम लोग ले लेना है, एक और इफेक्ट इसमें लगा लेते हैं। इसमें आप लोग चलिएगा, इसी में गला के बाद आपको जैसी इसमें जाइएगा, ये कहाँ है, इसमें जाइएगा तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं
इस पर क्लिक कर देना होगा। कुछ इस तरह का फाइल खुलेगा। खुलने के बाद ये है कि ऑलरेडी वोकल में जितना भी खखार फखार कहे जाए सारा दम लचर पचर दम वॉइस वॉइस सब खत्म करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा उल्टा चलना है, ये करना होगा। ठीक है, गबाना करा के लाया हिलाया नहीं खटिया लगाता है राई गोई। 1 2 पे रख सकते हैं, दोनों 2 2 पे कर दीजिएगा 1 2। ठीक है, 2 2 पे उल्टा करिए, उल्टा घुमाइएगा इसको। ठीक है, अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सुन लेते हैं। गबाना करा के लाया हिलाया नहीं खटिया लगाता है राई गोइल एक मतिया कभी मेरे मन क्या किया ही नहीं कभी मेरे मन क्या किया ही नहीं लहंगा उठाया लखनऊआ हो लहंगा उठाया लखनऊआ भतार साला लिया ही नहीं लहंगा उठाया लखनऊआ भतार साला लिया ही नहीं। तो इसको ऑलरेडी देख रहे हैं कि गबाना करा के लाया मेरा मिक्सिंग हो चुका है, इस तरीका के फेक लगाइए। अब आप लोगों को मैं ट्रैक से सुना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। गबाना करा के लाया हिलाया नहीं खटिया लगाता है राई गोइल एक मतिया कभी मेरे मन के किया ही नहीं कभी मेरे मन के किया ही नहीं लहंगा उठाया लखनऊआ लहंगा उठाया लखनऊआ भतार साला लिया ही नहीं लहंगा उठाया लखन। तो देखिए अभी ऑलरेडी मेरा डिले पे रिवर्व लगा वाले मेरा गाना मिक्सिंग हो चुका है और बाकी इफेक्ट चैनल से आप यहाँ से डिले वगैरह ये सब सारा चीज आप प्रोसेस यहाँ से आप लगा सकते हैं जाके। ठीक है भैया, आप इस तरीके का लगाइए, आपका वोकल सुपर डुपर बनेगा।